हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बनाई हुई वेबसाइट है जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट को हैंड रिटन सिंप्लीफाइड मटेरियल और उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियोस और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करता है। आई होप आपने वेबसाइट चेक की हो, अगर नहीं की है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, प्लीज़ जाके चेक कीजिए। लेट्स सी टुडेज टॉपिक एसओ इंटरेक्शन पैटर्न। आई होप आपको एसओए और उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं सब पता हो। अगर आपने नहीं देखा उसका वीडियो तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, प्लीज़ जाके चेक कीजिए। लेट्स सी टुडेज टॉपिक एसओए इंटरेक्शन पैटर्न। हमने एसओए देखा, एसओए क्या क्या करता है और वो यूडीडीआई सोप विजडल के साथ कम्युनिकेट करता है, जैसे सारे एसओए हमें बहुत कुछ फीचर्स प्रोवाइड करता है। अब एसओए इंटरेक्शन पैटर्न हमें ये बताता है कि हम सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में सोप विजडल यूडीडीआई का यूज़ तो करते हैं, पर ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, कौन सा इंटरफेस यूज़ करते हैं, क्या कौन सी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को किस वे से पास करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें एसओए इंटरेक्शन पैटर्न दिखाता है। लेट्स सी, हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस कंज्यूमर एंड सर्विस रजिस्ट्री है। अगर सर्विस प्रोवाइडर को कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड करानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको वो सर्विस यूडीडीआई रजिस्ट्री में ऐड करानी होगी। तो उसे अगर वो सर्विस यूडीडीआई रजिस्ट्री में ऐड करवानी है तो वो विजडल का यूज़ करेगा। विजडल का यूज़ करके वो पब्लिश ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसके बाद ही उसकी सर्विस यूडीडीआई रजिस्ट्री में स्टोर होगी। उसके बाद अगर सर्विस कंज्यूमर को कोई सर्विस कंज्यूम करनी है, कोई सर्विस यूज़ करनी है, डिप्लॉय करनी है, तो उसको यूडीडीआई रजिस्ट्री में से वो सर्विस फाइंड करनी पड़ेगी। उसको फाइंड करने के लिए वो डिस्क्रिप्शन या फाइंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जिसमें यूडीडीआई का यूज़ होगा। आफ्टर सर्विस प्रोवाइडर ने सर्विस प्रोवाइड भी कर ली, सर्विस कंज्यूमर ने सर्विस कंज्यूम भी कर ली, उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस कंज्यूमर एक दूसरे के साथ कैसे काम करे, किस वे से इंफॉर्मेशन पास करे, वो सारी इंफॉर्मेशन सोप के थ्रू पास ऑन होती है। उसके बाद ही सर्विस कंज्यूमर प्रॉपर वे से और प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ सर्विस को डिप्लॉय कर सकता है। यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड करता है और उसको प्रोवाइड करने के लिए उसको यूडीडीआई रजिस्ट्री यूज़ करता है, यूडीडीआई रजिस्ट्री में सर्विस ऐड करने के लिए उसे विजडल का यूज़ करना है, सर्विस कंज्यूमर को सर्विस कंज्यूम करने के लिए यूडीडीआई रजिस्ट्री का यूज़ करना है, उसमें उसको जाके फाइंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और रजिस्ट्री का काम ही है सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस को यूडीडीआई रजिस्ट्री में ऐड करना और सर्विस कंज्यूमर को सर्विस कंज्यूम करना, उसके लिए वो दोनों के साथ फाइंड और पब्लिश ऑपरेशन परफॉर्म करता है। थैंक यू।